यूपी मैंने सुना भी है, मैंने समझा भी है, यूपी की राजनीति से हिंदुस्तान की राजनीति चलती है और यूपी में सही सरकार का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से मोदी सरकार ने टिकट बांटे हैं वो हम सब डेली देख रहे हैं। मुझे तो बड़ी शर्म की बात है, वैसे कहना नहीं चाहिए। मोदी सरकार ने, अभी मैंने थोड़े दिन पहले अमित शाह जी का भाषण सुना, अमित शाह जी ने कहा कि हमें यूपी को समाजवादी के गुंडों से बचाना है, ये जो गुंडई सरकार है समाजवादी की, इससे हमें यूपी को बचाना है। तो मैं वो उस टाइम पे वो भाषण लाइव देख रही थी, मुझे लगा मुझका बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं थोड़ा सा प्रकाश ना अमित शाह जी की पर्सनल लाइफ पे डालना चाहूंगी, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए। अमित शाह जी 2010 में जेल गए थे मर्डर केस में। अमित शाह जी के ऊपर 13 हीनियस क्राइम केसेस चल रहे हैं, 13 से ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं है, ये रिपोर्ट कहती है, आप चेक कर सकते हो, जिसमें से महिलाओं के शोषण के भी केसेज हैं, फोन टैपिंग के केसेज हैं, मर्डर केसेज है, एक्सटोर्शन केसेज हैं। बड़ी शर्म की बात है। सेकंड इनके जो मेन आदमी हैं बीजेपी के अध्यक्ष यूपी के केशव प्रसाद मौर्य जी, जो बड़े अपने आप को शालीनता के व्यक्ति तो अपने आप को समझते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी 11 केसेज है, जो धर्म के नाम पे पंगे करवाना, धर्म के नाम पे राजनीति करना, एक दूसरे को भड़काना, दंगों के आरोपी, मर्डर के केसेज, महिलाओं से बदतमीजी के केसेज उन लोगों के ऊपर चल रहे हैं। तीसरा संगीत सोम, हम सब भूले नहीं है, मुजफ्फरनगर के जो दंगे थे वो हम सब भूले नहीं है अभी तक। संगीत सोम का क्या वहां पे मेन रोल था शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आदमी बीजेपी का प्रत्याशी है। योगी आदित्यनाथ जी, जो अपने आप को बहुत बड़े ये कहते हैं, हम गो रक्षक हैं और हमने ये कर दिया और मैं हिंदुत्व का वो हूं, 3 मर्डर केसेस चल रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे ऊपर मर्डर केसेस कैसे चल जाएंगे, आप गलत नहीं हो आपके ऊपर कैसे चल जाएंगे? क्यों बीजेपी सरकार में इतने सारे क्रिमिनल आदमी, और जो अपने आप को स्टार प्रचारक बता रहे हैं यूपी का, जो अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम स्टार प्रचारक, अगर स्टार प्रचारक ये लोग हैं या ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं तो हालात क्या हैं? बड़ी शर्म की बात है। तो अगर ये सिचुएशन देश में राइज हो रही है तो मैं यही कहना चाहूंगी आप लोगों को, आप लोग देखिए किसने क्या किया है। 281 एमपी हैं अभी बीजेपी के कैबिनेट में, जिसमें से 98 ऐसे लोग हैं जो इनके मिली जुली जो भी सरकार है, 98 ऐसे लोग हैं जिनपे क्रिमिनल केसेज है, 98। तो मोदी जी के जो भी चुनावी जुमले थे या जो भी प्रशांत किशोर की मार्केटिंग थी, जो इनके एडवर्टाइजमेंट सेल थी, बीजेपी की आईटी सेल थी, जो इन लोगों ने जो बड़े बड़े चुनावी वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ? कौन सा ऐसा करप्ट आदमी जेल में गया, चाहे वो कांग्रेस का था चाहे वो बीजेपी का था, इन्होंने डाला, कोई एक्शन लिया? आरटीआई एक्ट का क्या हुआ? और उसके बाद ऐसे लोगों को टिकट बांटना जो खुद मर्डरर हैं, रेपिस्ट हैं, और ऐसे लोगों को ये लोग सामने लाके खड़ा कर रहे हैं, फिर ये देश सुधारने की बात करते हैं, देश बदलने की बात करते हैं, और इन लोगों को ये लगता है कि जनता इतनी मूर्ख है कि देश बदल देंगे ये लोग? उसके बाद अब जो मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा हम यहाँ पे एक और डिस्कस करना चाहेंगे कि इन लोगों का जो राजनीति करने का तरीका है वो क्या है। राजनीति करने का तरीका बहुत जरूरी है इन लोगों का बताना। आपको याद होगा जब वाजपेयी जी की सरकार आई थी उस टाइम पे इन लोगों ने दंगे करवाए थे, ठीक है, उस टाइम पे भी इनका चलन ही ये है। उसके बाद राम मंदिर वाला मुद्दा आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। जब मोदी सरकार में इतना दम है तो क्यों राम मंदिर आज तक नहीं बन रहा है? क्यों राम मंदिर के नाम पे इतनी राजनीति हुई है? क्यों मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी आज तक जेल में बंद है? क्यों इन लोगों ने दंगे करवाए? अब इन लोगों को पता है कि एक प्रॉपर जाति विशेष के लोग कितने लोग बंद है? क्यों हरियाणा में इन लोगों ने इतना गंदा काम करवाया? जात के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति करने वाली भाजपा सरकार हिंदुस्तान की पहली सरकार है, जिन्होंने हरियाणा में जो मेरे भाई बंधु इतने मारे गए हैं, इन्होंने जो गोलियां चलवा दी खड़े होकर, ऐसा तुगलकी फरमान तो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, ऐसा तुगलकी फरमान पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है जो इन लोगों की सरकार है, ठीक है। और ये मेरे भाई साहब यहाँ पे मुझे बीजेपी विरोधी बता रहे हैं, मैं राजवीर भाई साहब आपको ये बताना चाहूंगी, मेरी हिस्ट्री चेक कर लेना, 20 साल से बीजेपी वाले हैं हम, मेरा पूरा खानदान बीजेपी को वोट देता था, ठीक है, ये बीजेपी विरोधी नहीं है, ठीक, ये वो इंसान बोल रहे हैं जिन्होंने ये चीज अपनी आंखों के आगे हमने लोगों को मरते हुए देखा है। और एक एज ए सिविलाइज सिटीजन ऑफ इंडिया मेरा ये अधिकार है, मैं लोगों को बताऊंगी, जागरूक भी करूंगी कि सरकार ने क्या किया है। आप मोदी के अंधभक्त हो, आपको आप कह सकते हो ये चीज, ठीक है, आपको नमो नमो करने की आदत है, हमें नहीं है, हमें जरूरत नहीं है ऐसी सरकार की। एनीवे ये तो ऐसे चलता रहेगा। दूसरी बात, हरियाणा में जो इन लोगों ने किया, जो 2100 आदमी अभी जेल में बंद है, जिनको छोड़ने का ये लोग कोई नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अभी मुरथल ये कह रहे थे, चिल्ला चिल्ला के, मुरथल में रेप हुआ, मुरथल में रेप हुआ, कहा हुआ रेप बता दो एक बार,
जो इनकी बिकाऊ मीडिया है जो सारे दिन बैठ के दिखाते रहते थे मुरथल में रेप हुआ, हमें एविडेंस मिले, ये पहला ऐसा हिंदुस्तान का ऐसा पहला रेप है जहां पे ना तो लड़की है जिसका रेप हुआ, ना कोई एविडेंस मिला, ना कोई गवाह है, उसके बाद भी ये लोग चिल्ला चिल्ला के मोदी के अंधभक्त कहते हैं मुरथल में रेप हुआ। बड़ी शर्म की बात है, ऐसी ऐसी घटिया राजनीति धर्म के नाम पे, लोगों के नाम पे समाज को बांटने का अधिकार ये करते हैं। ठीक है, उसके बाद मेन मुद्दा किसानों को, किसानों के लिए किसान विरोधी सरकार पहली भाजपा सरकार है। मोदी सरकार के गवर्नमेंट में आने से पहले ये लोग कहते थे हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट का मतलब आप लोगों को पता था, किसान की फसल का 50% जो उन्होंने लगाया वो उसका मूल्य ये लोग उनको देंगे। इन्होंने लागू तो करना दूर की बात है, उसको निरस्त कर दिया। कहां है स्वामीनाथन रिपोर्ट, क्या वो इम्प्लीमेंट हुई? नहीं हुई इम्प्लीमेंट। इन लोगों ने देश को सिर्फ बांटने का काम किया है। कभी जाटों को तो बनाई दिया इन लोगों ने, दूरी बना दिया कि इनको आगे कर दो, हमारे नाम पे इतने हमारे भाई बंधु आज अंदर बंद है, इतने हमारे भाइयों को मरवा दिया और वहां पे अपने पेड़ लोग खड़े करके इन लोगों ने दंगे करवा दिए और आज ये लोग वो ये बात कर रहे हैं। अभी इनके बीजेपी के एक मैंने किसी में मुझे नाम तो याद नहीं, अभी यूपी से बयान आया, मुजफ्फरनगर से नहीं, पूरे जाट हमारे साथ है। मैं आज एक बात कहना चाहूंगी, जिसका मरा है उसको पता है, जो दुखी है उनको पता है, जवाब तो इलेक्शन में इनको मिल जाएगा, लेकिन मेरा फिर भी आह्वान आप सब लोगों से, ऐसी सरकार का बिल्कुल साथ नहीं देना। आप किसी को भी वोट दो, कांग्रेस को दो, सपा को दो, मायावती को दो, किसी को भी दो, एक्स वाई जेड से अपनी इंडिपेंडेंट पार्टियां बना लो, किसी को भी दो, लेकिन मैं पर्सनल रिक्वेस्ट है यूपी में ऐसी सरकार को वोट मत देना, वरना जो हाल आज हमारा हो रखा है वो हाल आप सबका होने वाला है, बहुत जल्दी होगा। क्योंकि स्वामीनाथन रिपोर्ट इन लोगों को लागू नहीं करना, ये दिखाता है कि किसान विरोधी सरकार है। ठीक है, सबसे मेन मुद्दा अब कॉरपोरेट और प्राइवेटाइजेशन के बारे में मैं थोड़ा सा इन लोगों को बताना चाहूंगी। मोदी के पीएम बनने से पहले इनकी जो भी मार्केटिंग है, फंडिंग है, वो बड़े बड़े कॉरपोरेटर आज तक करते आए हैं, रिलायंस ने किया है। आप एक चीज बताइए, अगर ऐसा कुछ नहीं था तो इंडियन रेलवे को जो डीजल सप्लाई होता था वो इंडियन ऑयल ग्रुप करता था, IOCL करता था, वो ठेका रिलायंस को क्यों मिल गया और आज से पहले रिलायंस को क्यों नहीं मिला? जियो की लॉन्चिंग होना, मोदी का जियो का प्रमोशन करना, BSNL और MTNL को बंद कर देना, धीरे धीरे BSNL MTNL खत्म होते जा रहे हैं, जियो इंडिया में आता जा रहा है, यही हालात चलते रहे तो आम आदमी इन कॉरपोरेटर्स का गुलाम हो जाएगा। इन लोगों की स्ट्रेटजी ये है कि धीरे धीरे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, हम लोग रिलायंस वालों के एक दिन हम रिलायंस वालों की गुलामी करने लग जाएंगे अगर मोदी सरकार सत्ता में रह गई तो। हम किसानों की जमीन ये लोग धीरे धीरे, इनको ये लग रहा है कि कॉरपोरेटर को दे देंगे, धीरे धीरे कॉरपोरेटाइजेशन हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। बड़े शर्म की बात है और जिसको पता है उसको समझ आ रही है सारी चीजें। क्यों हर टेंडर रिलायंस को मिल रहे हैं, क्यों सरकारी टेंडर रिलायंस को मिलते जा रहे हैं? डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सब चीजें नहीं चलती है। आज ये कुछ मुद्दे थे जो मेरे ख्याल से मुझे डिस्कस करने बहुत जरूरी थे, अगर मैं डिस्कस नहीं करती तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती। और जो सबसे मेन मुद्दा है उसके बाद, अभी आप लोगों ने जो लेटेस्ट रिपोर्ट देखी भी होगी, इंडिया बीफ का सबसे बड़ा इम्पोर्टर बन गया है। जो बीजेपी के अंधभक्त हैं, गौ माता के नाम पे RSS वाले चिल्लाते रहते हैं, नहीं हम तो गोरक्षक है जी, हम तो गोरक्षक है जी, गोरक्षक है जी हम तो। अभी की बात बता दूं, मैं 10 दिन पहले यहां दिल्ली में, मेरे भतीजे का फोन आया मुझे, तो यहां खजावला के पास एक गाय का एक्सीडेंट हो गया था रोड के ऊपर, मेरे पास एविडेंस है इन चीजों के, गाय का एक्सीडेंट हो गया था। मैंने बीजेपी वालों को फोन किया जो इनके जो रक्षा दल जो समूह चला रहे हैं, मैं नाम भी बता सकती हूँ मैंने किन किन लोगों को फोन किया। मैंने दिल्ली पुलिस को कॉल किया, 29 कॉल मेरी तरफ से गए हैं, 29 कॉल, मेरे पास रिकॉर्डिंग है दिल्ली पुलिस की, ये जवाब दे रही थी हमारा, हमने ठेका नहीं उठा रखा, अगर रोड पे पशु मरा पड़ता है तो हम क्यों उठाए जाके। सेंटर में बीजेपी है, बीजेपी वाले गोरक्षा वाले कह रहे हैं, RSS के लोगों को मैंने फोन किया, गो जो दल है उन लोगों को मैंने फोन किया, गौशाला में मैंने फोन किया, जो सेंटर चला रहे हैं उनको मैंने फोन किया, जो एनजीओ चला रहे हैं मैंने उनको फोन किया, मैंने पुलिस वालों को फोन किया, पिछले 2.5 घंटे तक रोड पे कोई नहीं पहुंचा था। क्यों इतना दिखावा है फिर? इतना दिखावा थोड़ी होता है। एक बीफ का नंबर वन एक्सपोर्ट बन गया इंडिया, आपको पता है? आप RTI लगा लो और चेक कर लो, वैसे तो आप लोगों को जवाब नहीं देंगे साले, RTI वाले भी ऐसे ही हैं, लेकिन आप चेक कर लेना मैं कह रही हूं। मोदी को डोनेशन देने वाला, बीजेपी को डोनेशन वाला सबसे बड़ी बीफ डोनेशन कंपनी है आज के दिन।
तो इन लोगों को आम आदमी की नब्ज पता चल गई है कि धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, जातियों के नाम पे किस तरीके से लोगों को बांटा जाता है और किस तरीके से वोट बैंक बढ़ाया जाता है। ठीक है, किस तरीके से वोट बैंक बढ़ाया जाता है। ये भाई साहब मेरे को कह रहे हैं, राजवीर रोहिला जी अभी कह रहे हैं आप राजनीति में आ जाइए। भाई साहब आपका काम है राजनीति करना, हमारा नियम तो आम आदमी है, ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, और मुझे राजनीति में आना होगा आपकी सलाह की जरूरत नहीं है, जिस दिन आना होगा आ जाएंगे। जब जरूरत लगेगी ना हम जैसे लोगों को आगे आना चाहिए, आएंगे, जरूर आएंगे, टेंशन मत लो, जब आएंगे। लेकिन हम तो अभी अभी मेरी इतनी एज भी नहीं है, लेकिन हाँ जितनी हमारी समझ है, जितनी हमें नॉलेज है, हम लोगों को जागरूक जरूर करेंगे आपकी सरकार के बारे में। ठीक है, और बड़ी शर्म आती है कि इतने वेल एजुकेटेड होके आप लोगों को सच दिखाई नहीं देता है। मैं किसी पार्टी का फेवर नहीं करती यहाँ पे, लेकिन मैं उन लोगों के बारे में जरूर बताना चाहूंगी जो महिलाओं के फोन टैप करते हैं, औरतों का शोषण करते हैं, और उसके बाद उन लोगों को वो टिकट के प्रत्याशी बनाते हैं और एक लिस्ट में आता कि ये स्टार प्रचारक है यूपी में बीजेपी के। बड़ी शर्म की बात है। तो ऐसी सरकार को मैं नहीं चाहूंगी कि भाइयों आप लोग वोट करो। ठीक है, बाकी तो सबके अपनी इंडिपेंडेंट वोटिंग राइट्स हैं, रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन सबको पता चल जाएगा। लोगों को पता भी है ये, लेकिन किसान विरोधी सरकार है। किसान ये नहीं कि हमारी जाति के किसान, किसान हर जाति में होते हैं, लेकिन मैंने सबसे बड़ा एग्जांपल आपको स्वामीनाथन का दे दिया है। ठीक है, स्वामीनाथन रिपोर्ट का मैंने आपको बता दिया है। जो सरकार, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो यूपी में सपा है, चाहे वो मायावती आए, चाहे वो रालोद आए, जो सरकार हम किसानों के साथ है हम उनका समर्थन करना चाहेंगे, क्योंकि इंडिया कृषि प्रधान देश रहा है आज तक, इंडिया कृषि प्रधान देश रहा है। और अगर हम किसानों को अगर वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, या वो फैसिलिटी हमें नहीं मिलेंगे, हमारे मेरे सब्जियों के या हमारे इन चीजों के हमें दाम नहीं मिलेंगे, तो हम ऐसी सरकार को कभी कभी ऐसी सरकार का हम साथ नहीं देंगे। ये मेरा पर्सनल आह्वान आप सब लोगों से, और मैं उम्मीद करूंगी मेरी इन सब बातों को आप लोग नोटिस करोगे, अपने अपने सर्कल में डिस्कस करोगे। अगर मेरी किसी भी बात में कोई भी झूठ है, ठीक है, आरटीआई लगाइए, पता कीजिए, गूगल पे भी ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आ जाएंगी। आप लोग सब पढ़े लिखे हो, जो फेसबुक जो चलाना जानता है उन सबको इतना पता होता है फिर। ठीक है, अपना इलाज ना, अपना ये सब चीजें आप अपना देख लीजिए। और मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगी यूपी इलेक्शन में, ठीक है। अब ये भाई साहब कह रहे हैं राजवीर रोहिला जी आप बीफ पर झूठ बोल रहे हो, भाई साहब चेक कर लीजिए ना, या हमें लिंक भेज दीजिए, अगर नहीं है तो मैं आपको भेज दूंगी। अभी मैं एक बार ऑफलाइन जाती हूँ, मैं आपको अभी ये बीफ वाला भी लिंक भेज देती हूँ, आप चेक कर लीजिए। और आपको ये बता दूं, जो बीजेपी की पेड आईटी सेल बैठी हुई है ना, जो आप जैसे लोग जो बीजेपी का प्रमोशन करते हो, पेड ट्विटर ट्रेंड, ठीक है, फोटोशॉप, फेक मीडिया, ये सारी चीजें मुझे पता है, टेंशन मत लीजिए आप। मुझे पता है कितने करोड़ के टेंडर यूपी में बीजेपी ने आईटी वालों को दिए हैं, कितने लोग, कितने पेड आईटी लोग बिठा रखे हैं लोगों ने, कितनी फेक मीडिया है, फेक पोर्टल है, फेक न्यूज है। आप जैसे जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, वो लोग इसीलिए बैठे हुए हैं कि आम आदमी को तुम गलत न्यूज दिखा के भड़का सको बस। ये जो सारे दिन फेसबुक पे लगे रहते हैं ना, बीजेपी के जो प्रमोशन चले रहते हैं, इन प्रमोशन के आप लोगों को पैसे मिलते हैं, और हमारे पास प्रूफ है। मेरे कम से कम ज्यादा नहीं ना, मैं आपको 25 ऐसे लोगों से मिलवा दूंगी जो बीजेपी आईटी सेल के, जिन्होंने टेंडर ले रखे हैं। ठीक, हम तो सच बोलेंगे, लेकिन मुझे तो सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता। पिछली बार मैंने सच बोला तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई थी, मुझे पता नहीं किसने कितना उल्टा सीधा भेजा था। ठीक, लेकिन मुझे तो डर नहीं लगता किसी से, मैंने तो डरना सीखा नहीं है, मैं तो सच बोलूंगी, सच ही बोला है, और जो भी बोला है वो आप लोग चेक कर सकते हो। और बिल्कुल मुझे नहीं लगता, मुझे आज एक चीज पता है, बीजेपी जैसी सरकार सिर्फ किसानों के विरोध में खड़ी है, जाटों के विरोध में खड़ी है। हमारा ऐसा कर दिया बीजेपी सरकार ने, मेरे आज भी 2100 भाई बंधु जेल में बंद है, 2100 भाई बंधु जेल में बंद है। और मुझे पता है वेस्ट यूपी में हमारे जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, सब आह्वान कर रहे हैं, हमारी कौम बीजेपी के खिलाफ है, खिलाफ रहेगी, खिलाफ है। और उसके अलावा भी जो भी किसान है, वो जिस भी पार्टी के किसान है, जो भी आदमी किसान है ना, कोई किसान बीजेपी को वोट नहीं देगा, रिजल्ट इनके आगे आ जाएगा, क्योंकि सब इतने दुखी कर रखे हैं। हम देखेंगे कैसे कॉरपोरेटर किसानों के ऊपर राज करेंगे। ये लड़ाई अब किसानों की और कॉरपोरेटर की है, ये लड़ाई अब आम आदमी और बीजेपी की नहीं रही है। ठीक है, हम अपने देश को गुलाम नहीं होने देंगे दोबारा, पहले अंग्रेजों ने राज कर लिया, अभी कंपनी वाले राज कर लेंगे, न्यू को नहीं होया करें। ठीक, रिलायंस ने देश का ठेका नहीं उठा रखा, रिलायंस के गुलाम हम लोग तो नहीं बनने वाले, गुजरातियों के गुलाम हम लोग नहीं बनने वाले। हमारी अपनी जमीन, हमारे बाप दादाओं की जमीन, हम अपनी जमीन किसी को नहीं देने वाले। ठीक है, मैं तो नहीं देने वाली, मेरा वोट उस पार्टी के लिए है जो पार्टी हमारे किसानों के साथ है।
बाकी आप लोगों की मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, मैं मेरे को जो बताना था बता दिया, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरीज है, मैं फेसबुक पे ही हूँ, मुझे किसी भी टाइम आप लोग फोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो, आके मिल सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, आप लोगों को जो भी है। ठीक है,